भाई ठीक नहीं रहा यार, बातें कर रहा है यार आराम से बात, कम से कम एक रिस्पांस होता है ना देने का। हे गाइज वेलकम बैक माई न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। भाई हम लोग बिल्कुल अच्छे नहीं है, इसका देखो हाल कितना बुरा है। भाई हमारे साथ हो गया फ्रॉड, हमारे साथ स्कैम हो चुका है। और यार स्कैम क्या हुआ, भाई अभी है ना कैमरा लेके आया था, और कौन था 760D कैनन का 760D कैमरा था भाई, 60,000 लेके आया था अभी 15 दिन पहले। और इसने पता है क्या किया, रेंट पे डाल दिया OLX पे। भाई OLX पे डाल दिया, एक लड़का आया इसके पास और कैमरा रेंट पे लेके चला गया। अब पता है क्या हुआ, कैमरा तो रेंट पे लेके चला गया, इससे ना डॉक्यूमेंट तो दिए नहीं इसने, उसने दिए थे एक तो उसका घर का बिल दिया था और कुछ और कुछ डॉक्यूमेंट दिए नहीं थे। भाई पता है 3 दिन के लिए लेके गया था, अब हो चुके हैं 10-12 दिन हो चुके हैं। भाई ना तो फ़ोन उठा रहा बंदा, ना ही फ़ोन ऑन कर रखा, बिल्कुल ही स्विच ऑफ कर लिया। मतलब यार बड़ा वाला स्कैम हो गया, बड़ा वाला धोखा हो गया। इसका हालत देख सकते हो क्या हालत रखी है यार। मतलब मैं दिल्ली आया था अभी, तो इसने कहा कि भाई मेरे साथ ये हुआ, तो चलो यार मैंने सोचा कि करते हैं कुछ ना कुछ। तो भाई यार अभी है ना मैं जा रहा हूँ, जो एड्रेस है ना, जो बिल दिया है ना उसने, और बिल के ऊपर जो एड्रेस बना हुआ है पटेल नगर का, तो मैं पटेल नगर जा रहा हूँ और पटेल नगर से उसके एड्रेस पे जाएंगे और देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। आई होप यार मिल जाए, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मेहनत मतलब ये करके है ना कैमरा लेके आया था। और यार ऐसे शायद आप लोगों को नहीं करना चाहिए, अगर आप लोग रेंट पर ले रहे हो ना तो उनका पूरा डॉक्यूमेंट सब कुछ लेना चाहिए। अब इसने गलती कर दी, अब जा रहे हैं अपन पटेल नगर। तो क्या यार देखो हम मेट्रो स्टेशन पहुंच गए, वो सामने रहा मेट्रो स्टेशन, अब चलते हैं अंदर। यार अभी कुछ सीन ऐसा है, हम पूछ चुके हैं उस लोकेशन पे, भाई इसके साथ स्कैम बड़ा वाला हुआ है, अब जा रहे हैं उसके घर पे। भाई यार आई होप कि उसका जो एड्रेस है ना वो उसका ठीक हो। पता नहीं हमारे पास डॉक्यूमेंट वगैरह तो हैं कहाँ हैं, देखो उसने ना बिजली का बिल दिया था अपना और एक अपना चेक दिया था, चेक पे ना साइन नहीं था, अगर चेक पे साइन होता ना तो कर दे। देखो ये तो चेक था और एक बिजली का बिल था। तो भाई यार अभी जा रहे हैं उस लोकेशन पे, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है पटेल नगर, पटेल नगर दिल्ली में है अभी तो, और अब जा रहे हैं वहाँ पर। चले भाई यार पता नहीं क्या होने वाला है, आई होप कि वो सही निकले। पता नहीं यार क्या होगा, इसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा वो। अरे यार बंदे का है ना अभी तक मोबाइल नंबर चल रहा है, अगर कुछ नहीं होता है ना तो आपको मोबाइल नंबर वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। चलते हैं अभी चले। तो भाई यार देखो हम है ना उस लोकेशन पूछ चुके हैं, और ये वाली लोकेशन है और शायद इसी आसपास में उसका घर है। जो यार एड्रेस दिया था ना वो तो इधर का है, देखते हैं वहाँ पर। चले देखते हैं वहाँ पर बेचारे का क्या हाल हो रखा है बेचारे का। चल देखते हैं कैमरा मिल जाएगा तेरा, ठीक है। कितना भी रात में मैसेज करो, बस वेट, कितने दिन से वेट कराओ बताओ। भाई चीख मत, आराम से बात कर रहा है यार, आराम से बात, कम से कम एक रिस्पांस होता है ना देने का, आराम से बात कर लो यार। ये क्या है देखो जरा, इतना सारा मैसेज करता हूँ तुम क्या लिखे हो, वेट, अदर मैसेज पे रिप्लाई करते हो, दोबारा मैसेज तुम कॉल रिसीव करते हो, तबीयत खराब थी तो यार कम से कम एक होता है ना बात, बात का बात रखो यार, बात की वैल्यू नहीं है क्या तुम्हारी। भाई यार तेरे आराम से बात करने से वो नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है भाई मैं उसको बुला रहा हूं, वो अभी दे जाते कैमरा। मैं मतलब कैमरा ले लेते हैं ना, करना कि वो पेमेंट टूटी है ना कुछ होता है। गाइस यार देखो वो बंदा आया यहाँ पर, आप लोगों ने वो क्लिप भी देखी होगी क्या बोल रहा था क्या नहीं बोल रहा ना, और उसके बाद वो बोल रहा था कि भाई नहीं दूंगा मैं कैमरा, 2 दिन बाद दूंगा, 3 दिन बाद दूंगा, मतलब बकवास कर रहा था एक तरीके से। अब पता है हम लोगों ने कहा कि हम पुलिस को बुला रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके बाद वो आया और उसके बाद इसने अपना एक चेक दिया, चेक दिखा ना भाई, ये चेक है उस बंदे का, आप लोग देख सकते हो ये वाला चेक दिया उसने और बोला है कि भाई मैं कैमरा नहीं दूंगा ना, तो आप लोग इसको बाउंस कर सकते हो। तो भाई यार चेक मिल गया, वैसे तो
ठीक है चेक मिल गया, अपन अपने पास प्रूफ है अब किस बंदे ने कैमरा लिया है अपना। बाकी यार आपने क्लिप भी देख ली होगी, इस बंदे ने कैमरा लिया है। अगर कैमरा रिटर्न नहीं करता है किस मतलब 2-3 दिन में, तो आप लोगों को मैं नंबर वगैरह दे दूंगा, एड्रेस भी बता दूंगा। बाकी यार देखते हैं अभी क्या होता है। अभी वो ऊपर गया है, आधार कार्ड मंगवाया इस भाई ने कि आधार कार्ड और दो मेरे को ना, तो आधार कार्ड लेने गया वो बंदा। गाइस यार देखो आधार कार्ड भी इसके पास आ गया और इसका बिजली का बिल आ गया और एक चेक भी आ गया और अब चल रहे हैं घर पे। भाई उसने 2-3 दिन का नाम लिया है कि 2-3 दिन में कर देंगे। भाई बड़ा वाला स्कैम हुआ है इस भाई के साथ। पता है यार इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था ये यार, 10 दिन तक ले जाए कोई कैमरा, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स ना दे। देखो ये उनका उसका है आधार कार्ड, ठीक है अब चले घर पे। पेमेंट भी नहीं हुई तो भाई यार घर पे चलते हैं। और पता है इसने पेमेंट तक नहीं की, मतलब 10 दिन हो गए कैमरा लेके, 2 दिन के लेके गया था, अभी तक 10 दिन हो गए। चलो घर चलते हैं, फिर घर पे जाके बात करते हैं। तो भाई यार अब पूछ चुके हैं हम रूम पे, ये अभी से का रूम है। भाई अब तो खुश है ना तू? हाँ भाई यार खुश हूँ यार। खुश है? हाँ दिल को यार एक ठंडक सी। यार पता है इसके साथ यार बड़ा वाले स्कैम हो गया। और भाई यार देखो अभी छत पे आ चुके हैं और छत पे हैं थर्ड फ्लोर पे। भाई अभी से गए, अब तो पाल्टी देगा तू मेरे को भाई। यार इतना ज़्यादा टेंशन में था भाई, बहुत ज़्यादा टेंशन में। अब टेंशन में था तो यार दोस्त है, दोस्त की हेल्प भी करनी पड़ती है। कैसा लगा तेरे को? यो जोगिंदर, यो जोगिंदर। गाइस यार देखो यहाँ का सीन एकदम मस्त हो रखा है, एकदम धूप निकली पड़ी है यार। पता है दिल्ली में 2-3 दिन से धूप नहीं आ रही थी, बट एकदम धूप आ चुकी है और अभी मौसम बड़े हो रखा है। और यार देखो पोल्यूशन ज़्यादा है नहीं, बट ठीक ठाक है, और थोड़ा बहुत लग रहा है मेरे को पोल्यूशन दिल्ली में, बट ठीक है अब चलते हैं नीचे। तो गाइस यार अभी का कुछ सीन ऐसा है, हम लोग आ चुके घर पे, भाई घर पे नहीं इसके रूम पे आ चुके हैं। और इसका फेस देखो भाई खुश हो रहा है। पता है वहाँ पर क्या हुआ, हम लोग वहाँ पर गए, देखो पहले तो एड्रेस है ना भाई, बहुत मुश्किल से ढूंढ के वहाँ पर पूछे। उसके बाद वहाँ पर उसके घर पे गए ना भाई, वो बंदा नीचे नहीं आ रहा था। हमने घंटी बजाई, ऊपर से बोल रहा था भाई कौन हो, क्या क्या लेने आए हो? तो हमने बोला भाई नीचे आ, बात करनी है, कुछ बिल वगैरह देना है आपको। तो वो नीचे आया, अब नीचे आया ना तब भी लुक रहा था वो। मैंने इसको बोला कि यही है क्या? तो इसने बोला भाई हाँ यही है। तो भाई मैंने उसको बोला भाई कैमरा कहाँ है? तो उसने बोला कैसा कैमरा? फिर ये गया ना सामने, तो चुप हो गया थोड़ी देर। उसके बाद मतलब कि बोल रहा था कि नहीं दूंगा कैमरा, जाओ कर लो मतलब जो करना है वो कर लो। फिर मतलब आप लोगों ने क्लिप भी देख ली होगी, वो बोल रहा था उस टाइम है ना। उसके बाद हम लोगों ने मतलब थोड़ा पुलिस वगैरह का मैटर कर दिया, हम लोगों ने मतलब कि पुलिस वगैरह के फोन मिला दिया था कि ऐसा ऐसा मैटर हुआ है और ऐसा कुछ है, ये वैसे कर रहा है। तो उस बंदे ना मतलब वो बंदा है थोड़ा डर गया, और डरने के बाद उसने बोला कि भाई ऐसा मत करो, मैं ना 2 दिन में आपके पास कैमरा ला दूंगा। अब यार ऐसा थोड़ी ना होता है कि दो कोई कैमरा लेके जाए, 10 दिन बाद तक कोई आंसर नहीं दे रहा, फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा है। तो मतलब कि ऐसा कुछ हो रहा था, बंदा है ना बहुत ज़्यादा डिफ्रेंस में चला गया था ये। और इसने मेरे पास फ़ोन किया, सचिन भाई ऐसा हो रखा है, तो मैं दिल्ली आया हुआ था, तो मतलब तेरा भाई सॉल्व करेगा इस चीज़ को। बट यार सीरियसली बताओ ना, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था उस टाइम। इसने बताया ना कि भाई मेरे साथ स्कैम हो गया, क्योंकि यार ये मेहनत करके कैमरा लेके आया था, मेरे को पता है ये कैसे पैसे जोड़ रहा था कैमरे के लिए। भाई कैमरा मतलब 5 दिन यूज़ किया, और फिर 15 दिन हुए इसको कैमरे लिए, 5 दिन यूज़ किया और उसको दे दिया रेंट पे। मैंने इसको बता दिया, आज के बाद रेंट पे देगा किसी को? नहीं भाई यार। और भाई यार उस लड़के ना, उस लड़के को मैंने कहा कि भाई अब तो मेरे को एड्रेस प्रूफ चाहिए, कुछ प्रूफ चाहिए कि तू दे देगा। तो उसने ना अपना खाली चेक पे साइन करके दिया, तो शायद वो प्रूफ ठीक रहेगा। ठीक है प्रूफ अब तो दे देगा, 2 दिन का टाइम लिया है उसने, 2 दिन बाद देखते हैं, नहीं देता है तो सही है, नहीं देगा ना तो मैंने आप लोगों को ना एड्रेस दे दूंगा उसका, बाकी नंबर वगैरह सब कुछ आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग संभाल लेना क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी यार देखो OLX पे ना ऐसे है ना बहुत सारे स्कैम होते हैं, तो उन्हें स्कैम से बचना चाहिए, आप लोगों को बचना चाहिए और हम लोगों को बचना चाहिए, स्पेशली इसको बचना चाहिए। तो भाई यार आज जो हमारा व्लॉग था यही था, आप कहीं भी किसी से भी कुछ खरीदो ना, तो भाई पहले तो कैश टू कैश पेमेंट करो, या आप ना किसी को दो ही मत है, रेंट पे दो ना तो भाई उसका आईडी प्रूफ, पक्का आईडी प्रूफ लो, क्योंकि यार ऐसे है ना बहुत सारे स्कैम होते हैं। इसको तो मैंने बचा लिया वैसे है ना। तो भाई यार अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।